वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है बिगनर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम हाइलाइटर क्यों, कब और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं बिगनर्स के यही होते हैं कि यार हम हाइलाइटर कौन सा यूज करें, या फिर हाइलाइटर यूज करते टाइम हम कौन कौन से ब्रश यूज करें, या फिर फेस पर हाइलाइटर कैसे और कहाँ अप्लाई करते हैं। तो गाइस अगर आप बिगनर्स हो तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना एंड अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। एंड या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइलाइटर्स कितनी तरह के होते हैं। तो गाइज हाइलाइटर्स होते हैं टोटली 6 तरह के। जी हाँ, 6 तरह के। इनमें आते हैं पाउडर हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, स्टिक हाइलाइटर, ब्रिक हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर एंड जेल हाइलाइटर। जी हाँ, 6 तरह के टोटली ये हाइलाइटर्स हैं। जो पाउडर हाइलाइटर्स है वो ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं, एंड जो लिक्विड हाइलाइटर है, क्रीम हाइलाइटर है, ये ऑयली स्किन वाले यूज मत करना। अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो, वरना मत यूज करना। तो टोटली 6 तरह के हाइलाइटर्स होते हैं। तो अगर किसी ने ब्रिक हाइलाइटर यूज करा है तो उन्हें पता होगा कि कैसा होता है ब्रिक हाइलाइटर। तो ब्रिक हाइलाइटर कुछ इस तरह का होता है, ये मेरे पास है स्विस ब्यूटी का। तो ब्रिक हाइलाइटर कुछ इस तरह का दिखता है, एंड ये हाइलाइटर भी काफी ज्यादा अच्छा है गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है। तो अगर जिसने यूज करा है उसे पता होगा, तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि टोटली जो हाइलाइटर है वो 6 तरह के होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि हम हाइलाइटर क्यों यूज करते हैं। तो गाइज हम हाइलाइटर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग दिखे, क्योंकि जब हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, क्योंकि जो वहां की लाइट्स होती है पार्टी की या फिर सनलाइट होती है वो हमारे फेस के सीधा हाईएस्ट पॉइंट्स पर जाकर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा फेस और भी ग्लोइंग दिखता है मेकअप करने के बाद। एंड सामने वाला सोचता है कि यार इसकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है, इसका मेकअप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई वो सब हाइलाइटर का भी कमाल ही होता है। तो हाइलाइटर हम विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाने के लिए, ड्यूई दिखाने के लिए। तो इसलिए हम हाइलाइटर यूज करते हैं अपने फेस पर। तो अब थर्ड क्वेश्चन है कि हम हाइलाइटर फेस पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से ब्रश यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप बिगनर्स हो तो आपके पास आई मेकअप ब्रश तो जरूर होंगे, तो आप उनमें से कोई भी एक ब्रश यूज कर सकते हो जिसके ब्रिसल्स कुछ इस तरह थिक हो, तो आप वो ब्रश यूज कर सकते हो हाइलाइटर फेस पर अप्लाई करने के लिए। काफी इजिली आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो इसी ब्रश के साथ। अदरवाइज आपके पास एक फैन ब्रश है तो आप वो यूज कर सकते हो। ये स्पेशली हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए होता है, बट मैं बिगनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अभी ये वाला ब्रश यूज करो। अगर आपके पास पाउडर ब्रश है तो आप वो भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरह का। इससे भी काफी इजिली चिकबोन पे जो है हाइलाइटर अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आप बिगनर्स हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यार स्टार्टिंग में आई ब्रश जो होता है उसी से मेकअप सॉरी हाइलाइटर को अप्लाई करो अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट पर। तो आप ये वाला ब्रश जिसके ब्रिसल्स कुछ इस तरह थिक हो, आप वो वाला ब्रश यूज कर सकते हो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो हाइलाइटर के लिए सिर्फ 3 ब्रश है जो आप यूज कर सकते हो। वैसे तो एक ही ब्रश है जो जिसकी वजह से पूरा हाइलाइटर लग जाएगा फेस पर, तो आप ये ब्रश यूज कर सकते हो हाइलाइटर फेस पर अप्लाई करने के लिए। तो अब लास्ट एंड सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है बिगनर्स के लिए कि हम हाइलाइटर फेस पर कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो गाइज जो हमारे फेस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं लाइक चिक बोन, फोरहेड, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड ब्राउ बोन, यहीं पर हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे फेस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, चिक बोन, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड ब्राउ बोन। तो यहीं पर हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, अगर हम किसी सनलाइट में जा रहे हैं या फिर पार्टी में जा रहे हैं तो वो लाइट्स हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पर ही आकर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा फेस और भी ज्यादा ग्लोइंग दिखता है जब हमने हाइलाइटर अप्लाई किया होता है। तो अगर आपको नहीं पता आपका आपके चिकबोन कहाँ है, तो आप टच करना चिक से थोड़ी ऊपर, तो आपको यहाँ पे अपनी चिकबोन दिख जाएगी। और जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हो तो इतने ही एरिया पे अप्लाई करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, एंड फिर अच्छे से ब्लेंड करना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फेस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं। ओके, तो गाइस मैं अब आपको दिखा भी देती हूँ कि आप हाइलाइटर कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो आपके पास ये आई ब्रश है इसी से आप कैसे हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे ये मेकअप रेवोल्यूशन का स्ट्रॉब हाइलाइटर ले रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लूंगी एंड इसको अपने चिक बोन पे अप्लाई करूंगी। यहाँ पे होती है हमारी चिक बोन, कुछ इतने एरिया पे ही अप्लाई करना है, यू कैन सी। एंड ये भी हाइलाइटर काफी ज्यादा अच्छा है यार, बॉम्ब हाइलाइटर है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको बस इतने एरिया पे अप्लाई करना है एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड जरूर करना। तो आप देख सकते हो कि आप इसी ब्रश, जो ब्रश है आई ब्रश, इसी से कितना अच्छा हाइलाइटर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसी से आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड। इसी से आपका फेस कितना ज्यादा ग्लोइंग दिखेगा, यू कैन सी। अब आप देख सकते हो कि मैंने हाइलाइटर अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई किया है, तो जो लाइट है वो मेरे फेस के सीधा हाईएस्ट पॉइंट्स पर ही जाकर लग रही है, तो उसकी वजह से और कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पर, यू कैन सी। तो आप कुछ इस तरह से हाइलाइटर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो एंड इस ब्रश से तो काफी ज्यादा इजीली है हाइलाइटर अप्लाई करना बिगनर्स के लिए। तो आप ये वाला ब्रश जो है आई मेकअप ब्रश जरूर यूज करना, इसी से ही आप हाइलाइटर काफी अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर। आई होप आपको ये जो पूरी मैंने हाइलाइटर के बारे में बताया ये सब आपको समझ आ गया होगा एंड अब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो एंड आपको पता चल गया होगा कि फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स कौन से है। सब कुछ आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना आगे ताकि जो और भी बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।